हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वीजीए जीनियस क्लासेस। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3 आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 7। यहाँ एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा एक्स टू दी पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना। अगर एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 हो तो क्या हो जाए? एक्स टू दी पावर 2 प्लस 3 यानी एक्स टू दी पावर 5, तो ये हो जाए। तो यहाँ से हमने जो कॉमन लिया तो एक्स पावर 2 आएगा, और ये कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचता, तो 1 बचता, क्योंकि अगर एक्स टू दी पावर 2 में 1 का इंटू करते हैं तो क्या एक्स टू दी पावर 2 ही तो रहता है। अगर ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1। एक्स क्यूब प्लस 1, और अगर 1 का क्यूब कर दें तो भी तो बन ही रहेगा। अभी हमारा फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी लगा दीजिए आइडेंटिटी, ये तो कॉमन है, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ए क्यू प्लस 0.008, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे हमारा किसका क्यूब होता है। तो सबसे पहले हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं? इसको राइट कर सकते हैं हम 8/1000, क्योंकि पॉइंट के जितने डिजिट होते हैं उतने ही वन में जीरो लगाते हैं। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, यानी 2 × 2 × 2, और 1000 किसका क्यूब होता है? 10 × 10 × 10, ठीक है ना। इसे राइट करेंगे 2/10⁻³। जब 10 का 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 क्यूब। ये हमारा हो गया 0.2 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस 0.2 का होल क्यूब, फार्मूला लगाइएगा। ए प्लस वी, इधर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए इंटू वी प्लस वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ए प्लस 0.2 एज इट इज, जैसा है वैसा ही राइट करेंगे। 0.2 का ए में इंटू क्या? तो 0.2 प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0.4 यानी 0.4, 4 × 4 = 16। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है, यानी 0.16। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम। नाइन क्वेश्चन नंबर 1 − 27 ए क्यूब। देखिए 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 27 का क्यूब हमें पता है 3 का क्यूब होता है, अगर नहीं पता है तो हम फैक्टर कर लेंगे। 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 3, तो ये हो गया हमारा 3a³। तो ये क्या करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू की पढ़ी थी, अब ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या है? इससे पहले वाले लेक्चर में हम सभी आइडेंटिटीज बता चुके हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो लगा दो ए माइनस बी यानी 1 − 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी ए इंटू वी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3a² तो क्या हो गया? 1 − 3a, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का इंटू करेंगे 3a में तो 3a प्लस 3 × 3 = 9a² नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा
64 a क्यूब माइनस 343। तो 64 किसका क्यूब होता है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, यानी ये किसका पेयर है? 2 का एक ग्रुप बन गया, 1 2, यानी 2 2 जा 4 का क्यूब। तो 4a का होल क्यूब माइनस, अब देखिए 343 के फैक्टर कर लीजिएगा। 343 के फैक्टर क्या होते हैं? 343 के फैक्टर हो जाएंगे, ये देखिए 7 से कट होता, 7 4 जा 28, 34 में से जब 28 माइनस करेंगे तो आएगा 6, 6 और 3 हो जाता है 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी ये 7 का पेयर बन गया। तो किसका क्यूब हुआ? 7 क्यूब, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ए माइनस बी, और इधर हो जाता ए स्क्वायर प्लस ए इंटू वी प्लस बी स्क्वायर, यानी पूरी आइडेंटिटी लगा दी। अब सॉल्व कीजिएगा, 4a माइनस 7, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 ए स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28 ए प्लस 7, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 512। तो अब 512 के फैक्टर कर लीजिएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा 1 और 1, 11 हुआ, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा 1 और 2 12 हुआ, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 5 में करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 6 कितना हुआ, 16, 2 8 जा 16, अब इसमें कीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 का करेंगे 3 में तो 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 2 कितना हुआ, 12, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, यानी कि कितने पेयर बने, 1 2 3, यानी 3 पेयर बन गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 का क्यूब हो गया, किसका क्यूब हो गया, 8 का, और ये हमारा जैसा वैसा ही राइट कर दिया। अब क्या करें, ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दो आइडेंटिटी, तो एक्स माइनस 8 इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8 इधर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो ये क्या हो जाए, एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो यहीं पर सॉल्व हो गया है, बस इसका सॉल्यूशन यही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमारा, ए क्यू माइनस 0.064। तो देखिए सबसे पहले 0.0 यानी पॉइंट के कितने डिजिट बाद लगाए, 1 2 3, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हम इसे लिख सकते हैं 64/1000, ठीक है ना। अब 64 किसका क्यूब होता है, हम जानते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और ये 10 का क्यूब होता है, यानी कि 4/10 का होल क्यूब हो गया, तो ये हो जाए 0.4 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस 0.4 का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए माइनस वी और ए स्क्वायर प्लस ए वी, ए इंटू वी प्लस बी स्क्वायर, यानी 0.4 का स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, ए माइनस 0.4, उधर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए का, 4 का ए में इंटू करेंगे तो 0.4 ए प्लस 4 4 जा, अब इसका देखो 0.4 का 0.4 में मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा तो 16 हो गया। पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर, पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी टू डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.16, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 8x³ - 1 अपॉन 27y³। देखिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, एक्स क्यूब तो 2x का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन, ये हमें पता है ये 3 का क्यूब, ये y का क्यूब है तो 3y का होल क्यूब, क्या हो जाएगा a माइनस बी, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस ए बी है 2x इंटू 1 अपॉन 3y प्लस 1 अपॉन 3y का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 अपॉन 3y और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x का 1 में इंटू किया तो 2x और ये 3y अपॉन में प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर 5 स्क्वायर, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।